आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोना ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण करने के पश्चात भगवान केदारनाथ का भव्य रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक किया गया, जिसके पश्चात पूरे भारत के जनमानस और देश की सुरक्षा पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। इस आशय को लेकर पूरे भारत में एक ही समय पर हर विधानसभा और भाजपा मंडल के लोगों ने सभी शिवालयों पर रुद्राभिषेक व जलाभिषेक का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे भारत की सनातन संस्कृति हमेशा बनी रहे। इस अवसर पर मोहम्मदाबाद मंडल में तमसा नदी के तट पर रामघाट चित्र मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष रामशरण चौहान के नेतृत्व में संपन्न कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित मोहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक श्री राम सोनकर, हरे कृष्ण भगवान मंडल मंत्री अरुण गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष शशांक त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि संजय तिवारी, मनोज यादव, जनार्दन शर्मा, भाजपा नेता त्रिभुवन प्रसाद, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रिंस गुप्ता व चेयरमैन लालजी वर्मा, श्याम चौबे आदि लोग उपस्थित रहे। और वहीं मोहम्मदाबाद गौना मेले में अद्भुत देखने को मिली मूर्तियां और लोगों का लगा ताता। जब मीडिया से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी मऊ, आज मोदी जी का कार्यक्रम हुआ है, किस जगह कार्यक्रम हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जी एक बाबा केदारनाथ मंदिर में उनका रुद्राभिषेक हुआ है जी। और सबसे पहले ये कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, देश के अपने सुरक्षा और समृद्धि के लिए जी एक धार्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने रुद्राभिषेक किया और वो हम लोगों के लिए ही या उन्हीं के देखते हुए हमारे पूरे आज उत्तर प्रदेश में हर जिला में करीब करीब हर विधानसभा में हर मंडल में जहाँ भी हमारे भोलेनाथ बाबा का मंदिर है वहाँ पे हमारे पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, वो सारे लोगों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रुद्राभिषेक रखा गया था प्रातः सुबह 9। अपना परिचय बताइए। जी, आज मोहम्मदाबाद में मेले के उपलक्ष्य में क्या करना चाहेंगे आप? आज मोहम्मदाबाद में जी अपना परिचय बताइए। शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा, भाजपा मऊ। आज जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? आज केदारनाथ जी में बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हमारे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है जी। और उसी के उपलक्ष्य में जी पूरे देश में जी एक ही समय पर जी हर शिवालयों पर हर जिले में जी हर जिले में और मुझको लगता है कि हर विधानसभा में जी यह कार्यक्रम चला है जी। और हमारे हमारे मोहम्मदाबाद में भी रामघाट पर जी यह कार्यक्रम हुआ है जी और बहुत भव्य आयोजन हुआ है इसका। थोड़ी रौनक तो बहुत है क्योंकि 2 सालों से मेला नहीं लग पाता था कोविड के कारण, और इस बार तो रौनक बहुत है क्योंकि लोगों में उत्साह है और मुझे लग रहा है कि यहाँ भीड़ तो बहुत है पर सभी लोग उसका पालन करते हुए इस मेला को मुझे लग रहा है कि अच्छे से निभा पाएंगे। और ये माता जी का जो पंडाल लगा है बड़ा ही भव्य और भव्य और दिव्य है। यही आज मोदी जी का कार्यक्रम हुआ है, किस उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया है? आज मोदी जी का कार्यक्रम बाबा केदारनाथ के यहाँ हुआ है और आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनके मूर्ति का अनावरण भी माननीय मोदी जी ने किया है और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। शिव का मतलब होता है कल्याण। माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में बताया है कि शिव का मतलब कल्याण होता है और शिव अगर शिव का नाम लेते हैं तो हमारा कल्याण होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण। ये कार्यक्रम 9 बजे स्टार्ट था और हर मंदिर शिवालयों पे ब्राह्मण देवताओं के द्वारा यह कार्यक्रम कराया गया। सबको वहाँ सब जितने प्रतिनिधि सबका कार्यक्रम।
यज्ञ के आचार हमारे यहाँ राजघाट पे हमारे आदरणीय पंडित शशांक त्रिपाठी जी। कब से कार्यक्रम कब तक चला है? ये कार्यक्रम 9 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक चले जी। धन्यवाद। न्यूज नाइन भारत से अमित तिवारी के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।